जय हिंद भाई। सारे कैंडिडेट्स नु तो एक बार फिर आए थोड़ा से बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट क्लास लेके ते बिना टाइम वेस्ट करे हुए आज दी क्लास अपना शुरू कर दें। पहला क्वेश्चन थोड़ी स्क्रीन ते लग गया हुआ है ते पूछा गया है जी, मेरी कला ही मेरा धर्म है अते मेरा कर्तव्य निराकार नु साकार करना है, ए शब्द किस दे सी? क्वेश्चन फिर तो सुन लो, मेरी कला ही मेरा धर्म है अते मेरा कर्तव्य निराकार नु साकार करना है, ए शब्द किस दे सी तुसी दसना है। ठीक है, मैं फोटो भी लाई है, जे तुसी फोटो पछाण के दस सकदे हो तो सही जवाब की होएगा? सही जवाब होएगा जी शोभा सिंह, ऑप्शन ए। ठीक है, हुण तुसी मैनू फटाफट दसो कि शोभा सिंह कौन सी। ठीक है, उन्हां दी लाइफ बारे कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट भी मैं नोट डाउन करे जिहड़े एग्जाम विच बन सकदे है, क्योंकि शोभा सिंह पंजाब दे एक प्रसिद्ध चित्रकार सी, इन्हां तो रिलेटेड क्वेश्चन बन सकदा है। ठीक है, तो सब तो पहले जन्म की गल करिए 29 नवंबर 1901 इन्हों का जन्म हों, 22 अगस्त 1986 इन्हों की डैथ हो जाती है। इन्हों के पिता से देवा सिंह, माता से अक्षरा देवी, भैन सी जी लक्ष्मी। इन्हों की भैन का भी इन्हों की लाइफ के काफ़ी वड्डा रोल है। नैक्सट इतने पिंड की गल करिए दोस्तों, श्री हरगोबिंदपुर जिहड़ा कि गुरदासपुर के इतने जो इन्हों का पिंड से 1919 फौज के नक्सा नवीस की पोस्ट के उत्ते भर्ती हो जाते, छेती ही फौज की नौकरी छड़ देंदे है। 1923 अमृतसर के विखे आपका एक स्टूडियो बना लेंदे जी, ना रखते जी सुभाष स्टूडियो। सुभाष चंद्र बोस के नाल काफ़ी ज़्यादा प्रभावित से, सो आपके नाँ के अगे सुभाष वर्ड भी यूज़ करते हैं। तो एक होर लाहौर के इन्होंने इको स्कूल ऑफ आर्ट की भी स्थापना करी। कहा जाता है उंज तो इन्हों की सारी पेंटिंग फेमस से, बट सब तो वध इन्हों जी प्रसिद्धि दवाई सी सोनी महिवाल की पेंटिंग। सो पॉइंट तुसीं नोट करियो, शोभा सिंह की सब तो प्रसिद्ध पेंटिंग कैड़ी सी, ता उसी जी सोनी महिवाल की पेंटिंग, जिस करके शोभा सिंह जिहड़े वह प्रसिद्ध हो गए सी। ठीक है, बट अगे 1947 का टाइम आता है, देश आजाद होंगे, देश की वंड होंगी है, तो इन्हों की सारी मेहनत जी मिट्टी हो जाती है, क्योंकि इन्हों का स्कूल तो रह जाता है लाहौर के विखे, तो इन्हों का जो स्टूडियो है वो सी अमृतसर के। ठीक है, बट दोवें लोकेशन जी है वो बाउंड्री के उत्ते, इतने सब तो वध लड़ाई झगड़े मारकाट हुई, पूरी मेहनत बेकार हो गई, तो आखिरकार हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के पिंड अंदरेटा में आ गए, तो आपकी लाइफ के जो लास्ट टाइम कह लो या आखिरी साल कह लो इतने ही इन्होंने बिताए से। ठीक है, हुण इन्हां दे सन्मानां की गल करिए कि सरकार के वल्लों इन्हों की कुछ सम्मान मिले हुए हैं। तो सब तो पहले पंजाब गौरमेंट की गल करिए, स्टेट आर्टिस्ट की उपाधि जी है पंजाब गौरमेंट के वल्लों इन्हों दी गई है। सो एग्जामीनर पूछ ले कि पंजाब विच स्टेट आर्टिस्ट की उपाधि हेठ लिखे विचों किहड़े चित्रकार नूं मिली है, तो वह है जी शोभा सिंह। ठीक है, नैक्सट पंजाबी यूनिवर्सिटी के वल्लों भी इन्हों सन्मानित किया गया, भारत सरकार के वल्लों भी सन्मानित किया गया, तो भारत सरकार ने पद्म श्री सम्मान के नाल इन्हों सन्मानित किया। 29 नवंबर 2001 नूं एक होर इन्हों सम्मान दिता गया, तो जिहड़ी डाक टिकट है वो इन्हों की याद के इन्हों जन्म दिन से जी जारी करी गई थी। नैक्सट दोस्तों गल करिए, इतने बादल सरकार ने किसी प्रमुख चित्रकार को देने के लिए हर साल 1 लाख रुपए का सरदार शोभा सिंह पुरस्कार जोड़ा है वो स्थापित करया सी, बहुत वधिया काम करया सी, बट कैप्टन सरकार ने आके वो पुरस्कार जोड़ा है बंद कर दिता, जोड़ा कि एक माड़ा काम है। कोई कोई सरकार होंगी है जोड़े शहीदा के उत्ते या प्रमुख शख्सियतों के उत्ते जोड़े पुरस्कार है जारी कर दिए, इन्हों बंद नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस वजह ही जोड़े आने वाले छोटे कलाकार होंगे है उन्हों का हौसला बढ़ता है, तो देश जोड़ा स्टेट जोड़ा वह तरक्की करता है। ठीक है, तो इतने माड़ा काम किया। अगे चलते हैं नैक्सट, इतने गल करते हैं क्वेश्चन की, तो पूछा गया जी इन्हों के किस देश में सिख आबादी सब तो ज़्यादा है, एक क्वेश्चन फिर तो रिपीट होएगा, पहला भी रिपीट होया, तो तुसी दसना है इन्हां विचों किस देश दे विच सिख आबादी सब तो ज़्यादा है। सही जवाब की बनेगा जी, ऑप्शन ए कनेडा। बहुत सारे का सुपना होएगा कनेडा जाने का, तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो गया। नैक्सट क्वेश्चन की गल करिए, पूछा गया जी पंजाब की देश सदनी विधानसभा है, कुल मिला के क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं कि पंजाब की जी विधानसभा है वह किन्ने सदनी है, एक सदनी है, दो सदनी है, दसो फटाफट, पोल्ट्री का बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन। सही जवाब की होएगा एक सदनी। ठीक है, पंजाब की जी विधानसभा है एक सदनी है। अगे चलते हैं नैक्सट सवाल की गल करते हैं, तो बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम के बनने के पूरे चांस है इस क्वेश्चन के, तो पूछा गया जी पंजाब विच पहली स्त्री मुख्यमंत्री कौन है। क्वेश्चन फिर तो सुन लो, पंजाब विच पहली स्त्री मुख्यमंत्री कौन है, स्त्री नूं तुसीं महिला भी कह सकते हो। ठीक है, तो पंजाब की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन है तुसीं दसना है, फोटो लगी हुई है पछाण के फटाफट तुसीं जवाब लिख सकते हो। जवाब की होएगा, ऑप्शन सी रजिंदर कौर भट्ठल। वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम विच फिर तो रिपीट हो सकता है, तो रजिंदर कौर भट्ठल जी है पंजाब की पहली महिला मुख्यमंत्री सी। टाइम की गल करिए 1 नवंबर 1996 तो लैके फरवरी 1997 तक इन्होंने सेवा दी सी। जे ऑल ओवर इंडिया की गल करिए किन्ने नंबर की महिला मुख्यमंत्री सी, तो 8वें नंबर की सी। ठीक है, पंजाब की पहले नंबर की महिला मुख्यमंत्री सी, तो इंडिया की 8वें नंबर की महिला मुख्यमंत्री सी। इन्होंने किनू रिप्लेस करिया सी, हरभजन सिंह ब्राड़ जिहड़े सी उन्होंने अस्तीफा दे दिता सी, तां उन्हां दी थां ते बणे सी। ठीक है,
चलते हैं नेक्स्ट सवाल के वल। तो इतने पूछा गया जी पंजाबी विधान परिषद को कदों खत्म किया गया। वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, पीडीएफ थोड़ी जी होर छोटी कर देंगे। आ देखो जी पंजाब की विधान परिषद को कदों खत्म किया गया तुसी दसना है। बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन बार बार एग्जामा विच देखने को मिल जाता है। तो सही जवाब की होया ऑप्शन बी 1 जनवरी 1970। पंजाब की जिहड़ी विधान परिषद सी 1 जनवरी 1970 नू खत्म कर दिती गई। ठीक है चलते हैं नैक्सट सवाल दे वल। तां इत्थे पूछा गया है जी पंजाब दे विच सरवण दी समाध कित्थे बनी हुई है। वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, पंजाब दे विच सरवण दी समाध कित्थे बनी हुई है तुसी दसना है। तो सही जवाब की है, सही जवाब है जी ऑप्शन डी अमृतसर। जे एग्जामिनर पूछे सरवण की समाधि कितने बनी हुई है अमृतसर, लव कुश का जन्म कितने होया अमृतसर, ठीक है जलियांवाला बाग कितने है अमृतसर के श्री हरिमंदर साहिब ज गोल्डन टेंपल कितने है अमृतसर के वाघा बॉर्डर कितने है अमृतसर के। सो ये बहुत इंपोर्टेंट पॉइंट है, इन्हों ध्यान रखना है। ठीक है म्यूजियमों तो ध्यान रखना ही, वो तो ट्रेंडिंग चल रही है। नैक्सट सवाल की गल करिए भी काफ़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया जी कागज़ देख के निवास किसकी रचना है। कागज़ देख के निवास किसकी रचना है, थोड़ा सही कर लियो तो फटाफट दसो, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है तो कई बार मैं करवाया। सही जवाब की होएगा, फटाफट दसो सही जवाब की होएगा। जे तुसी जवाब दिता इतने ऑप्शन सी अमृता प्रीतम तो थोड़ा जवाब बिल्कुल सही है, कागज़ ते कैनवास अमृता प्रीतम की रचना है। ये मेरा पॉइंट नोट करो, भावें तो एग्जामिनर क्वेश्चन राइटर बारे बना दे भावें बुक बारे बना दे, पंजाब दे राइटर जां बुक्स बारे एक क्वेश्चन पक्का बनेगा। ठीक है अगे चलिए नैक्सट सवाल दे वल। तो इतने पूछा गया जी पंजाब की विधानसभा के पहले डिप्टी स्पीकर कौन सी। स्पीकर सारियां नूं याद हुंदा है बट इत्थे तुसीं ये दसना है कि पंजाब की विधानसभा के पहले डिप्टी स्पीकर कौन सी। फटाफट दसो सही जवाब की बनता है जी। तो इस सवाल का सही जवाब की होएगा, सही जवाब होएगा जी ऑप्शन सी ठाकुर पंचा चंद। ऑप्शन सी इस सवाल का सही जवाब होएगा। इन्होंने सेवा दिती सी 3/11/1947 तो लैके 7/4/1951 तक। ठीक है इन सही कर लियो, 51 तक दिती सी। अगे चलते हैं नैक्सट सवाल की गल करते हैं। तो पूछा गया है जी पंजाब ते हरियाणा हाई कोर्ट का पहला चीफ जस्टिस कौन सी। जिहड़ा अपना पंजाब ते हरियाणा हाई कोर्ट है इसका पहला चीफ जस्टिस कौन सी। तो सही जवाब की होएगा, सही जवाब होएगा जी जस्टिस रामलाल, ऑप्शन डी। ए क्वेश्चन भी एग्जाम विच बन चुके हैं। ठीक है नैक्सट सवाल की गल करिए पूछा गया जी पंजाब दे किहड़े शहर नूं स्टील का शहर मन्या जाता है। वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, पंजाब दे किहड़े शहर नूं स्टील का शहर मन्या जाता है तुसीं दसना है। तो जे दोस्तों थोड़ा इतने जवाब आ रहा ऑप्शन डी मंडी गोविंदगढ़ तो थोड़ा जवाब बिल्कुल सही है। फतेहगढ़ साहब के आती है जी मंडी गोविंदगढ़। हुण तुसीं चाहो तो ये दस सकते हो कि फतेहगढ़ साहब जिहड़ा है एक किहड़े डिवीजन विच आता है। ठीक है किहड़े डिवीजन विच आता है फटाफट दस सकते हो कमेंट करके जो पता है। नैक्सट सवाल की गल करिए इतने पूछा गया जी पंजाब की माली राजधानी किहड़ी है। क्वेश्चन नंबर 111 पूछा गया जी पंजाब की माली राजधानी केड़ी है, फटाफट दस दो सवाल का जवाब। तो सही जवाब की होएगा, सही जवाब होएगा जी ऑप्शन बी लुधियाना। पंजाब की जिहड़ी माली राजधानी है लुधियाना विच है। तो गल करिए दोस्तों फतेहगढ़ साहब की तो यह पैंदा है जी पटियाला डिवीजन के। ठीक है पटियाला डिवीजन के होर कि डिस्ट्रिक्ट पैंदे है, एक तो पटियाला पैंदा है उस तो बाद फतेहगढ़ साहब, उस तो बाद लुधियाना, उस तो बाद बरनाला, उस तो बाद मलेरकोटला, फिर संगरूर। तो यह 6 डिस्ट्रिक्ट आते हैं जी पटियाला डिवीजन के। ठीक है चलते हैं नैक्सट सवाल के वल। तो सवाल नंबर है जी 112 पूछा गया मौजूदा पंजाब दे पाकिस्तान नाल लगे बार्डर की लंबाई किन्नी है। अज का अपना पंजाब है जिथे असी रह रहे हैं, तुसी ये दसना है कि उस पंजाब की पाकिस्तान दे नाल किन्ने किलोमीटर की बाउंड्री लगती है। तो सही जवाब की होएगा, फटाफट ट्राई करो। सही जवाब होएगा जी ऑप्शन सी 425 किलोमीटर। पूछा गया है जी अजोके पंजाबी साहित्य का मोढ़ी जां आधुनिक पंजाबी साहित्य का जन्मदाता किसनूं कहा जाता है। वेरी वेरी इंपोर्टेंट ला के इहनूं नोट करना है तुसीं, अजोके पंजाबी साहित्य का मोढ़ी जां आधुनिक पंजाबी साहित्य का जन्मदाता किहनूं कहा जाता है तुसीं दसना है। फटाफट दसो इस सवाल का जवाब, तो इहनूं वेरी वेरी इंपोर्टेंट ला के तुसीं नोट करना है। ठीक है सही जवाब की होएगा, सही जवाब होएगा जी ऑप्शन सी भाई वीर सिंह, ऑप्शन सी इस सवाल का सही जवाब होएगा भाई वीर सिंह। ठीक है त
तो क्वेश्चन नंबर 15 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੀ ਸਾਹਿਤ ਅਕਾਦਮੀ ਅਵਾਰਡ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਇਸਤਰੀ ਲੇਖਕ ਕੌਣ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਿਤ ਅਕਾਦਮੀ ਅਵਾਰਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਮਹਿਲਾ ਜਾਂ ਇਸਤਰੀ ਕੌਣ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਤੇ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਫਟਾਫਟ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਦਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਹਿਤ ਅਕਾਦਮੀ ਅਵਾਰਡ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਮਹਿਲਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਦੋਸਤੋ ਅੱਜ ਦੀ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਲਾਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ ਸਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੈ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਾਂ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਦੇ ਲਈ ਰੱਬ ਰੱਖ